डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और यंग पॉपुलेशन और डिमांड, ये 3 Ds को आगे लेके अब भारत बहुत तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बना है। मॉर्गन स्टैनली, जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही प्रसिद्ध संस्था है, उसने अपनी एक भारत के बारे में रिपोर्ट में वो ये कह रहे हैं कि जो आज का भारत है, 2023 का भारत, वो 2013 के भारत से बिल्कुल अलग है। आज भारत के अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, भारत के लोगों के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल और निर्णायक नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, उसकी पुष्टि जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और भारत में जो आंकड़े आ रहे हैं, उन सबको मद्देनजर रखते हुए आज का दिन यादगार दिन रहेगा। मॉर्गन स्टैनली, जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही प्रसिद्ध संस्था है, उसने अपनी एक भारत के बारे में रिपोर्ट में जिसका शीर्षक था हाउ इंडिया हैज ट्रांसफॉर्म्ड इन लेस देन अ डिकेड, वो ये कह रहे हैं कि जो आज का भारत है, 2023 का भारत, वो 2013 के भारत से बिल्कुल अलग है, एक नया भारत है, एक ऐसा भारत जो शायद विश्व में किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी, आज भारत की वो स्थिति बनी है। विदेशी कंपनियां का आज जो विश्वास बना है भारत के ऊपर, जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और भारत के उद्योग जगत में जो आत्मविश्वास बना है, जो 3 Ds, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और यंग पॉपुलेशन और डिमांड, ये 3 Ds को आगे लेके अब भारत बहुत तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बना है, और आगे के दिनों में, अगले 25 वर्ष में हम एक विकसित देश के रूप में उभरेंगे। सबका प्रयास, सबका विश्वास और सबका साथ लेके इस देश में सबका विकास हो, इस कल्पना के साथ एक कृतज्ञ भावना से 9 साल हमें सेवा करने का जो भारत की जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार 2 बार बना के हमें मौका दिया कि हम इस देश को इस स्थिति पे ला सकें कि विश्व आज भारत को एक नए रूप से, नए दृष्टिकोण से दे, विश्व में भारत की एक नई पहचान हो, ये हम सबके लिए गर्व की बात है। मुझे विश्वास है कि पूरी दुनिया जो आज देख रही है, जो देश का हर व्यक्ति 140 करोड़ लोग, शायद एकाध उसमें इस विषय को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, पर एकाध लोगों की विफलताओं की वजह से मैं समझता हूं देश का उत्साह कम नहीं होगा। 140 करोड़ देशवासी आज मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़े हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि वो और आगे देश को बढ़ाने के लिए अपना काम करते रहे। सब्सक्राइब टू मिड डे इंडिया, गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस ऑन ऑल आवर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन।